सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल लेटेस्ट भीज को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेटेस्ट भीज। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स रिलेटेड क्विज क्वेश्चन नंबर वन के साथ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने। व्हाट डिड फोर्थ राउंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू एनहेंस द टू वे कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड पेरू हेड। तो इसका आंसर हो जाता है गाइज ऑप्शन नंबर फोर, जो कि है लीमा पेरू। पेरू के लीमा में हुआ था ये फोर्थ राउंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और किन के बीच हुआ था? ये हुआ था पेरू और इंडिया के बीच में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। व्हिच कंट्री हैज रिनेम इट्स कैपिटल टू नूर सुल्तान रिसेंटली। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर टू, जो कि है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान के कैपिटल को अभी नूरुस्तान के हिसाब से, सॉरी नूर सुल्तान के हिसाब से अभी रिनेम किया गया है। हाँ तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थ्री। नेम द बैंक दैट हैज साइंड ए लोन एग्रीमेंट वर्थ 83.11 मिलियन यूएस डॉलर टू कंगो फॉर फाइनेंसिंग 3 सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थ्री, जो कि है एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया है लोन अग्रीमेंट, कितने का? 83.11 मिलियन यूएस डॉलर का, ताकि 3 सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर। व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्ट टर्म लोन गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द स्टेट गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू ब्रिज टेम्पोरारी लिक्विडी मिसमैच इन द स्टेट। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वन, जो कि है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। क्या होता है ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस होता है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है रिजर्व बैंक किसे? स्टेट गवर्नमेंट्स को। ठीक है, किस चीज़ के लिए लेता है? क्योंकि लिक्विडिटी को मिसमैच ना हो बोल के वो टेम्पोरारी लोन प्रोवाइड करता है, और उसका नाम हो जाता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which bank has signed MOU with the State Bank of India to boost business opportunities between both the banks? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर टू, जो कि है बैंक ऑफ चाइना। बैंक ऑफ चाइना ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अभी एक तो MOU साइन किया है, जिस वजह से ये दोनों के बीच में बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ सके। हाँ तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, which country filed the greatest number of patent कॉपरेशन ट्रीटी पैटेंट एप्लीकेशन इन 2018? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर, जो कि है यूएसए। यूएसए ने सबसे ज़्यादा पेटेंट कॉपरेटिव ट्रीटी और पेटेंट एप्लीकेशन दिया था 2018। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द न्यू रेट स्लैश्ड बाय GST काउंसिल फॉर कंस्ट्रक्शन फ्लैट ड्यूरिंग द 34th GST काउंसिल दैट हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थ्री, जो कि है 5%। ठीक है, 5% से अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स के ऊपर ये GST कम हो गया है। ठीक है, कम होकर वो कितना हो गया है? वो हो गया है 5% हो गया है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 34th GST काउंसिल के द्वारा, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने शेयर किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट। नेम द फर्स्ट इंडियन लो कॉस्ट कैरियर which received International Air Transport Association membership recently? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वन, जो कि है SpiceJet। SpiceJet ने IATA के membership मिला है, और ये इंडिया की पहली लो कॉस्ट कैरियर बनी। ठीक है, जिसे IATA का membership मिला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Karen Ulhenbeck has become the first woman to win Nobel Prize. एबल प्राइज इज रिफर्ड एज द नोबेल प्राइज ऑफ हुज फील्ड? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर टू, जो कि है मैथमेटिक्स। नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स जितना होता है, जितना वैल्यू होता है, एबल प्राइज का वैल्यू भी इतना ही होता है। और ये फर्स्ट वोमेन बने जो ये के Karen Ulhenbeck, जिन्हें कि ये एबल प्राइज से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कसीम जोमाट टोकाइव वॉज सोन इज एज प्रेसिडेंट ऑफ हुइच कंट्री? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थ्री, जो कि है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट के हिसाब से ये शपथ ग्रहण किए, और इनका नाम हो जाता है कश्यम जोमाट टोकाइव। क्या? कश्यम जोमाट टोकाइव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ठीक है फिर से पढ़ लेते हैं। हुइच कंट्री रिसेंटली रिनेम इट्स
which country recently renamed its capital from अस्ताना to नूर सुल्तान. तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 जो कि है कजाकिस्तान. इसी क्वेश्चन को हम नंबर 2 में ही कर रहे थे, तो ये रिपीट हो गया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेम द मुंबई सोशल एक्टिविस्ट हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 जो कि है गौरी सावंत. पहले ट्रांसजेंडर बने जो कि इलेक्शन एम्बेसडर बने. किनके द्वारा बनाए गए हैं? वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वो एच एन इलेक्शन एम्बेसडर काम करेंगे. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एज पर यूएस बेस्ड रिसर्चर्स फ्रॉम नासा व्हिच प्लैनेट इज क्लोजर टू अर्थ. तो अभी जो यूएस बेस्ड रिसर्चर फ्रॉम नासा के द्वारा एक रिपोर्ट आया है उनके हिसाब से अर्थ के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 जो कि है मर्क्यूरी. ठीक है, मर्क्यूरी वेनस से भी बहुत ही पास है अर्थ के, मतलब अर्थ के बहुत ही पास है मर्क्यूरी, वेनस से भी ज़्यादा पास है करके ये लोग रिपोर्ट दिए हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स अनवील्ड ए डेक शेप्ड टॉर्च फॉर द 2020 ओलंपिक्स. तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है चेरी ब्लॉसम शेप टॉर्च. और ये रहा उस फोटो, वो जो लैंप का वो मसाल का फोटो रहा ये, जो कि है चेरी ब्लॉसम साइज शेप में ये टॉर्च को बनाया गया है. ये मसाल को चेरी ब्लॉसम साइज में बनाया गया है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 15. नेम द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 75 इन न्यू दिल्ली रिसेंटली. तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 जिनका नाम था सत्यव्रत सिन्हा. ठीक है, उनका नाम था मिस्टर सत्यव्रत सिन्हा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो अभी उनका देहांत हो गया. आगे बढ़ते हैं. सुपर फेम नोटोशी यामाडा ऑफन कॉल्ड एज अंकल ओलंपिक्स डाइज एट द एज ऑफ 92 ही बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री. तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 जो कि है जापान. जापान से बिलोंग करते थे सुपर फेम नोटोशी यामाडा. ठीक है, नोटोशी यामाडा जो कि जापान से बिलोंग करते थे उनका देहांत हो गया एज द एज ऑफ 92 और उन्हें अंकल ओलंपिक्स के नाम से नवाजा गया था. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हिच सिटी विल होस्ट T10 लीग क्रिकेट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स स्टार्टिंग विद द 2019 सीजन. तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 जो कि है अबूधाबी. अबूधाबी होस्ट करेगी T10 लीग क्रिकेट जो कि लास्ट, मतलब नेक्स्ट 5 सालों के लिए 2019 से वो स्टार्ट हो रहा है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सुदीन धवालिकर एंड हु वाज सिलेक्टेड एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स इन द बीजेपी लेड गवर्नमेंट इन गोवा. तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 जो कि है विजयी सरदेसाई और सुदीन धवालिकर को, दोनों को गोवा के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से अपॉइंट किया गया. हाँ, तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. हु वेयर सिलेक्टेड एज स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स फॉर द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन. तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 जो कि है मधु महाजन को स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के हिसाब से नियुक्त किया गया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. हु हैज बीन अवार्डेड द 2019 टेम्पलेटन प्राइज. तो किन्हें ये अवार्ड मिला गया है? तो उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है मार्सियो ग्लाइसर. ठीक है, मार्सियो ग्लाइसर को 2019 में टेम्पलेटन प्राइज से नवाजा गया है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के लास्ट क्वेश्चन होगा. हु वाज अमंग द फॉलोइंग इंडियंस हु हैव बीन नेम्ड इन द वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन क्लाइमेट पॉलिसी फॉर 2019 फॉर टेकिंग स्टेप्स इन ऑर्डर टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है पीयूष गोयल के वो विश्व के 10 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल के बीच में रखा गया है. तो गाइस, आज के लिए इतना ही. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना. मिलते हैं कल नए वीडियो लेके. तो आज के लिए गुड नाइट.